सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। एक यादव पत्रकार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं है। सोचिए, ओबीसी पत्रकार आपको बर्दाश्त नहीं है। यूपी में नौकरी निकली फॉरेस्ट ऑफिसर की, एक ओबीसी का चयन हुआ है, यह भी आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और नोएडा में जी ग्रुप का जी हिंदुस्तान चैनल बंद कर दिया गया है, 300 सवर्ण पत्रकार बेरोजगार, अब वो क्या करेंगे? कहीं से कोई चू की आवाज नहीं उठेगी। और आज सोशल मीडिया पर वायरल है राहुल गांधी की आरती और मोदी जी की आरती। मुझे लगता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इस आरती से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, संविधान दिवस पर संविधान से मतलब होना चाहिए। लेकिन सोचिए, कांग्रेस को आज भी लगता है कि धर्म की राजनीति में वोट ले लेगा। हमें लगता है कि धर्म के नाम पर जितनी वोटिंग होगी वो बीजेपी के खाते में जाएगी। जब कांग्रेस को सवर्ण वोट नहीं कर रहे धर्म के नाम पर, या धर्म के नाम पर जो भी वोट करते हैं, तो जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा बसपा आरजेडी जेएमएम, उनका क्या होता होगा, अंदाजा लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी ज्यादा संविधान की बात होगी, संवैधानिक अधिकारों की बात होगी, बहुजन पार्टियों को उतना फायदा होगा। जितना ज्यादा सोशल जस्टिस की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, बहुजन दलों को उतना फायदा होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है। देश दुनिया में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो सवर्ण समाज सारे संस्थाओं पर कुंडली मार के बैठा है उसको संविधान दिवस नहीं दिखता है। इसकी वजह है कि थोड़ा बहुत जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हक अधिकार मिल रहा है वो संविधान की वजह से मिल रहा है, इसलिए आज भी बहुत लोग हैं जिनके संविधान से तकलीफ है। खैर, आरती की ज्योति को आपने उल्टा कर दिया, यह तो आरती का अपमान है, महादेव का अपमान है। सोचिए, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तस्वीर को ही उल्टा कर दिया, अब उसको लोग कह रहे हैं कि आरती की उल्टा है। लेकिन असली खबर तो मोंटाज में जो आपने देखा बाबा रामदेव की है। बाबा रामदेव बोल गए कि महिलाएं बिना कपड़े की भी अच्छी लगती है, सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है और मेरी तरह से ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। खैर, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और रामदेव बाबा ने हंसी सिटोली में कहा है। वैसे रामदेव बाबा के खिलाफ, रामदेव यादव के खिलाफ, चूंकि बिजनेसमैन है तो एक सवर्ण सांसद उनके पीछे पड़े हैं, उनका टूथपेस्ट, उनका घी सब उनका नकली बता रहे हैं। खैर, हम लोग ये कह रहे हैं कि धर्म ही सही, रामदेव यादव कम से कम बिजनेसमैन तो बने। और यूपी के एक गांव में आजादी के बाद पहली बार कोई दलित दुल्हा घोड़ी चढ़ा है, लोहाबाई गांव में, अनुसूचित जाति से आने वाले, सोचिए। और जी हिंदुस्तान चैनल के बंद होने से बेरोजगार हुए 300 पत्रकार, लेकिन कोई चू नहीं बोलेगा। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि पकौड़ा तलिए, आगे इनकी मर्जी, हम लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवर्ण समाज के लोगों को कम से कम सच बोलना चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, 15 फॉरेस्ट ऑफिसर के पोस्ट निकले थे, 15, सोचिए 15 पोस्ट थे, उसमें एक ओबीसी के खाते में गया है और 3 शेड्यूल कास्ट के खाते में गया है, तो 3 और 4 11 सवर्ण समाज के खाते में गया है। लेकिन ओबीसी मुंह नहीं खोलेगा, ना ओबीसी के नेता मुंह खोलेंगे, दही जमा हुआ, जानकारी ही नहीं होगी। यह है ओबीसी की जागरूकता पूरे देश में। और कुछ कह रहे थे अमित मालवीय, अब ठीक है। सोचिए, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का, जिसमें वो आरती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फोटो की तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी ध्यान मग्न है। कांग्रेस के पाप है जिसको बीजेपी फायदा में तब्दील कर रही है। इस देश में धार्मिक कर्मकांड और धर्म की राजनीति को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और उसमें राजीव गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। राम मंदिर के विवाद खड़ा करना हो, ताले खोलना हो, रामायण महाभारत घर घर पहुंचाना हो, और अब बीजेपी उसका फसल काट रही। लेकिन कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ग्राउंड पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ही कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को नेता सवर्ण है और वोटर बहुजन है। खैर, सोशल मीडिया पर लगातार, अब देखिए, चीनी ने रॉबर्ट को न्यूज एंकर बना दिया। ये देखिए, ये वो पत्रकार है, भाजपा सरकार निष्पक्ष पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही और फर्जी मुकदमे करके जेल में डाल रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है और सोचिए कि किस तरह से इनको जेल में डाल दिया गया है। तो अनिल यादव इनका नाम है, ये पत्रकार हैं, पहले न्यूज नेशन में थे, इस्तीफा दे दिया था,
उसके बाद अपना YouTube चैनल चला रहे थे, कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है लेकिन इनके परिवार को कोई खबर नहीं मिली है अब तक। और वही चीन ने रोबोट को न्यूज एंकर बना दिया, मगर हमारे साहब ने तो न्यूज एंकरों को ही रोबोट बना रखा है। तो सोचिए कि ये तमाम पत्रकार जो टेलीविजन अखबार पर धार्मिक नफरत फैलाते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन ओबीसी पत्रकार अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुजन समाज को इसके खिलाफ में बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अमित शाह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि 2002 में हमने जिनको सबक सिखाया था उसके बाद गुजरात में शांति है, इसका मतलब है कि गोधरा कांड के लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार मान लिया है। यह भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि अब तो महंगाई इतनी कदर है, इस कदर है कि लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। स्वाति मालीवाल ने बाबा पर हमला बोला है, ये वो वीडियो है जिसमें रामदेव कह रहे हैं कि औरतें बिना कपड़ा के अच्छी लगती है, हम ये वीडियो रिपीट नहीं करेंगे। मुझे एक दिन के लिए सीबीआई ईडी दे दो, आधा बीजेपी जेल में होगी, अरविंद केजरीवाल का यह बयान वायरल है। और चंदौसी के जूना बाई गांव में बहुजनों की बारात में पुलिस की मौजूदगी बता रही है। सोचिए पुलिस वाले, इतनी संख्या में पुलिस वाले को शादी में जाना पड़ रहा है, यह है जातिवाद का जहर। और दिल्ली पुलिस से गाली और बदतमीजी करने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका बिल्कुल सही इलाज होना चाहिए, इनका रवैया ठीक नहीं है। दो खबरें हैं, ये भाषण दे रहे थे, पुलिस वाले ने मना किया कि भाषण मत दीजिए, वो ठीक नहीं था जो पुलिस कह रहा था, क्योंकि मुस्लिम नेताओं पर नजर रखते हैं ये लोग। लेकिन जो बाद में इन्होंने किया वो भी ठीक नहीं था। आप डेमोक्रेटिक रहिए, संवैधानिक रहिए। मैं बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं कि आप असंवैधानिक कभी मत होइए। और कल रात को कुछ लोगों ने सत्ता के नशे में एक ईमानदार पत्रकार को चारों चोरों की तरह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनिल यादव को जेल भेज दिया गया है, इस पर बड़ी खबर है। और गुजरात में इस बार सौराष्ट्र इलाके का चुनाव सबसे दिलचस्प रहा, यह अभिनव पांडे है। हम लोग रोज कह रहे हैं, लोग कैमरे पर कुछ बोल रहे हैं बीजेपी के डर से, कैमरे जैसे ही ऑफ करेंगे कहते हैं कि हम लोग वोट बीजेपी को नहीं देने जा रहे हैं। और ये देखिए, सुभाष चंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है, फॉरेस्ट रेंजर के 15 पद लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्यान्वित 6-9 पद सामान्य, 3 EBS कुल 11 पदों में 10 सवर्ण 1 सोनी, यानी सोचिए एक भी पद नहीं मिला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कांग्रेस नेता ने बदतमीजी की पुलिस वाले से। पुलिस वाले ने काफी धैर्य दिखाया, उनकी काबिले तारीफ है, लेकिन उन्होंने भाषण देने से रोका, उसके बाद जो बदतमीजी उनके साथ हुई है वो ठीक नहीं है। उनको भाषण देने से नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो आरिफ खान ने किया वो गलत है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसी तरह से जो भी गलत करे उसकी सजा मिलनी चाहिए और सबों के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है संविधान दिवस पर। और लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और गुजरात चुनाव की खबर है, सोचिए रविंद्र जडेजा, एक तो दो खबरें बता दो क्रिकेट का, एक तो पंत पर गाज गिर गया है, पंत बाहर होंगे और KL राहुल भी बाहर हो सकते हैं। वही सोचिए क्रिकेट में BCCI का बॉन्ड होता है कि कोई भी क्रिकेटर जर्सी में या प्राइवेट कंपनियों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेगा। रविंद्र जडेजा राजकोट से अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। और ये वीडियो देखिए, हम यूपी की सरकार से गुहार लगाते हैं, ये भनते हैं जिन पर जान का खतरा है और क्रिमिनल छवि है। देखिए किस तरह से हम यूपी योगी सरकार से गुहार लगाते कि आप मेरे परिवार की जान मान की रक्षा करें, जो दहशत में है। अनिल बालियान जो क्रिमिनल छवि का व्यक्ति है, भंते बुद्ध सरन जी ने ये आरोप लगाए, वीडियो सुन लीजिए। या सरकार के किसी के पास में गए तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और पत्रकार अनिल यादव को गुपचुप तरह से लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है कि खबर चलाने को लेकर जेल भेज दिया गया है। ओबीसी पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। और हेलो BCCI, जडेजा भारत की जर्सी पहनकर प्रचार कर रहा है, ये सोशल मीडिया पर खबर है। BCCI के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनका रद्द हो जाना चाहिए, प्रशांत कनौजिया ने लिखा है। और आप एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं या फेक न्यूज फैलाने वाले सस्ते ट्रोल? सोचिए शिवराज चौहान ने वो वीडियो शेयर किया जिसमें झूठ फैलाया जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई हैं, 80 दिनों से फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में। और सोशल मीडिया पर एक खबरें जो सबसे ज्यादा वायरल है, और चाणक्य ने चोटी नंदवंश के पतन के बाद बांधी थी। सोचिए ये निशिकांत दुबे हैं, इनको आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इनको खत्म कर देंगे। और ये इकबाले जुर्म है, अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और ये है वो ऋषभ पंत, सोचिए किस तरह से 100 बार सुन पर आउट होने पर भी इनको टीम में बनाए रखा जाएगा। लखनऊ पुलिस का बड़ा खेल, पत्रकार अनिल यादव गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी खबर है।
और नेहरू जी का बनवाया दिल्ली के अशोक होटल को बेचने का भाव 7,409 करोड़ तय हुआ है। आबा फैंस क्लब ने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बधाई हो। और सोचिए, स्मृति ईरानी राहुल गांधी का तस्वीर ही उलट दिया है। और सबसे बड़ी खबर है, ओबीसी को सिर्फ एक सीट मिला है। और न्यू इंडिया में अनुभक्तों का नजरिया, आईटी छापे सर्वे, बेरोजगार आत्मनिर्भर, पीएसयू को बेचना मुद्रीकरण, पीएसबी को बेच दे निजीकरण, आलोचना राष्ट्र विरोधी, किसान आतंकवादी, आदिवासी वनवासी, सामाजिक कार्यकर्ता अरवण रक्सल, कीमत वृद्धि, राष्ट्रीय विकास योगदान, हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है। और आधार पूनावाला की फोटो लगाकर एक कंपनी से 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने के लिए हिंदू युवक ने तोड़ दी मंदिर की मूर्तियां, यूपी के मेरठ की खबर है। और सीबीआई की दिल्ली शराब नीति में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है। तो सोचिए, दिलीप मंडल ने सबसे पहले वो खबर उठाई थी, 15 रेंजर की भर्ती में एक ओबीसी का चयन हुआ है। और जाते जाते गुजरात विधानसभा में 2002 में 127, 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 99 सीटें। गुजरात में लगातार बीजेपी घट रही है और कांग्रेस बढ़ रही है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। देखिए किस तरह से हेमा जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका रोड शो में कोई नहीं जुटा। और जी हिंदुस्तान के चैनल में 300 लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, सो आप लोग बताइए। लोग कह रहे हैं कि ये पकौड़ा तलेंगे। और अडानी ने कहा है कि एनडीटीवी खरीदना हमारा अधिकार है और एनडीटीवी को सरकार की खबरें दिखानी चाहिए, सरकार क्या कर रही है। सो तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो खबरें थी। और नियम को ताक पर रखकर बच्चों से करा रहे चुनाव का प्रचार, इन्हें संभाल रखिए झंडे उठाने। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना हो रही है जिस तरह से उन्होंने एक बच्चे से प्रचार करवाया है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सवाल है कि अनिल यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है और यूपी में 15 रेंजर के पदों पर सिर्फ एक ओबीसी। आपके अधिकार के लिए आप ही को जगना पड़ेगा। सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।